जनपद बाराबंकी के ब्लॉक निंदुरा क्षेत्र में 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन किया गया। इस टूर्नामेंट का समापन मौलाबाद बनाम इटौंजा के बीच फाइनल मैच से हुआ। आपको बता दें कि फाइनल मैच में इटौंजा टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। उनका क्षेत्र रक्षण का फैसला सही साबित हुआ और मौलाबाद की पूरी टीम 8 ओवर में ही 71 रन बना करके ऑल आउट हो गई। अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है पीके के द्वारा। चलिए अशोक के लिए अंपायर का निर्णय आया, ये गुफरान की गेंद और ये बहुत अच्छा शॉट। वहीं जवाब देने के लिए बल्लेबाजी करते हुए इटौंजा की टीम ने 6 ओवर में 74 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। इस तरह इटौंजा टीम को पूर्वांचल प्रीमियर लीग का विजेता घोषित किया गया और उन्हें 10,100 रुपये व ट्रॉफी व मेडल, और वहीं पर उप विजेता टीम मौलाबाद को भी 5100 रुपये ट्रॉफी व मेडल देकर टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र सिद्धार्थ, दीपू सिंह, धर्मेंद्र BDC, सुग्रीव चौहान, अमर सिंह यादव, राजू प्रजापति, हरिश्चंद चौहान आदि कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।